नैंड गेट का सार्वत्रिक गेट के रूप में प्रयोग। सबसे पहले हम नैंड गेट से हमारा बेसिक गेट नॉट गेट प्राप्त करेंगे। तो नैंड गेट से नॉट गेट प्राप्त करना, इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये हमारा नैंड गेट है, देख लीजिए, इसमें दो इनपुट हैं ए और बी, ये दो इनपुट हैं, और ये नैंड गेट का जो हमारा आउटपुट होता है वो होता है ए डॉट बी का बार। तो ये ए डॉट बी का बार हमारा नैंड गेट का आउटपुट है, जो पिछले वीडियो में आप देख चुके हैं। तो ये नैंड गेट लेकर हम इसको यूनिवर्सल गेट या सार्वत्रिक गेट के रूप में प्रयोग करेंगे, और यूनिवर्सल गेट में हम इस नैंड गेट से नॉट और एंड तीनों बेसिक गेट प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो नैंड गेट से सबसे पहले हम नॉट गेट प्राप्त करेंगे। हमें नैंड गेट से नॉट गेट अगर प्राप्त करना है तो ये जो हमारा नैंड गेट है इसके दोनों इनपुट टर्मिनल्स को हमें एक इनपुट बना देना होगा। ये अगर हम एक इनपुट इसका बना देते हैं तो ये इस इनपुट टर्मिनल को, इस इनपुट में जो हम सिग्नल देंगे, अगर हमने यहाँ वन दिया तो ये इसको ज़ीरो कर देगा, और अगर हमने यहाँ ज़ीरो दिया तो ये इसको वन कर देगा। मतलब इनपुट में ए देने पर ये आउटपुट में y इज इक्वल टू ए बार निकालेगा, क्योंकि जो नैंड गेट था वो ए डॉट बी का बार निकालना है उसे, लेकिन चूंकि ए और बी एक ही हो चुका है तो वो एक ही इनपुट सिग्नल है तो वो उसी का बार कर देगा, और जब वो उसका बार कर देगा तो ये हमारा आउटपुट जो आएगा y इज इक्वल टू ए बार। तो y इज इक्वल टू ए बार आउटपुट किसका है? बिल्कुल ठीक है, ये नॉट गेट का आउटपुट है। तो इस तरह से हम नैंड गेट की मदद से नॉट गेट प्राप्त कर सकते हैं। इनपुट में जीरो, आउटपुट में वन, इनपुट में वन, आउटपुट में जीरो। तो हम चाहे नैंड गेट से नॉट गेट प्राप्त करें या नॉर गेट से भी अगर हम नॉट गेट प्राप्त करते हैं तब भी हमें ये दोनों इनपुट को एक इनपुट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दोनों इनपुट को मिलाकर एक इनपुट बनाना होगा, ताकि उस एक इनपुट का जो हमारा आउटपुट होगा वो इन्वर्ट हो जाएगा, वो y इज इक्वल टू ए बार हो जाएगा। अब हम प्राप्त करेंगे नैंड गेट से एंड गेट। इसके लिए हम एक ट्रिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि नैंड से एंड मीन्स n हटाना। तो जब हमें n हटाना हो तो हमें दो नैंड गेट का उपयोग करना है। अब देखिए दो नैंड गेट का उपयोग कैसे होगा। ये पहला नैंड गेट जिसमें दो इनपुट है ए और बी, और इसका आउटपुट अभी हमने देखा था, तो ये इसका आउटपुट हो जाएगा ए डॉट बी का बार। अब इसको हम एक और नैंड गेट में, इसके आउटपुट को एक और नैंड गेट में डालेंगे, और वो नैंड गेट नॉट गेट की तरह होगा, मतलब उसके दोनों इनपुट टर्मिनल को एक इनपुट में कन्वर्ट किया होगा। तो जब हम ए डॉट बी का बार इसमें डालेंगे तो अभी हमने देखा कि आप इनपुट में अगर ए देंगे तो वो ए बार कर देता है, मतलब उसको इन्वर्ट कर देता है वो। तो यहाँ भी यही होगा कि ए डॉट बी का अगर आप बार कर इसको इनपुट में दिया तो ये आउटपुट में ए डॉट बी के बार का बार कर देगा। सत्यता सारणी से हम ये देखेंगे कि ये ए डॉट बी हो जाएगा, मतलब ये हुआ कि ए डॉट बी के बार का बार इज इक्वल टू ए डॉट बी, और ए डॉट बी किसका आउटपुट है? वो एंड गेट का आउटपुट है। तो इस तरह से हम नैंड गेट से एंड गेट प्राप्त कर लेंगे। हम अभी सत्यता सारणी से इसे समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए ये नैंड गेट से एंड गेट प्राप्त करना, अभी हम यही देख रहे थे, दो इनपुट है ए और बी, एक आपने नैंड गेट लगाया, नैंड से एंड एन हटाना, तो दो नैंड गेट लगाएंगे, एक आप नैंड गेट जैसा हमारा नैंड गेट है उसको वैसा का वैसा ही लगाना है, दो इनपुट ए और बी, और यहाँ आउटपुट में आएगा ए डॉट बी का बार।
इसको सिंगल इनपुट में डालेंगे तो ये हो जाएगा ए डॉट बी के बार का बार, और हमें देखना है कि क्या ये रिजल्ट ए डॉट बी बनता है। देखिएगा, अगर ये रिजल्ट ए डॉट बी बन जाता है तो हम कहेंगे कि हमने नैंड गेट से एंड गेट का आउटपुट प्राप्त कर लिया। सबसे पहले हम इनपुट में 00 देते हैं, ए जीरो और बी जीरो। अब देखिए ए जीरो बी जीरो, अगर हम ए डॉट बी करते हैं तो 0.0 जीरो हो जाएगा और फिर उसका बार 1 हो जाएगा, तो ये यहां पहुंचते पहुंचते 1 हो जाएगा हमारा। ये 1 हो गया, यहां ये 1 हो गया। अब ये 1 यहां हमने दिया है तो ये फिर उसका बार करेगा तो यहां हमारा हो जाएगा 0। तो ये जो हमारा आउटपुट रिजल्ट आया है ये 0 है। अब देखिए हम इसमें 0 देते हैं, इसमें 1 देते हैं, ये ए जीरो बी वन। अब देखिए ए जीरो और बी वन, तो ये ए डॉट बी में हो जाएगा 0.1, इट इज 0, एंड 0 का बार इट इज 1। ये यहां आ गया, देखिए अब ये रिजल्ट आ रहा है 1। अब 1 का अगर हम बार करने जाएंगे तो ये हो जाएगा 0, क्योंकि ये 1 का बार कर देगा तो 1 का बार होगा 0, तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा 0। तीसरा देखते हैं ए वन बी जीरो, ये ए वन और बी जीरो, तो ये ए डॉट बी में 1.0 ये हुआ 0 और फिर उसका बार तो ये हो गया 1। तो अब देखिए ये एक्स का जो रिजल्ट आ रहा है ए डॉट बी का बार, ये हो गया 1। अब इसका फिर आप ए डॉट बी के बार का बार कर दीजिए तो ये 1 का बन जाएगा 0। अब आखिरी कॉम्बिनेशन देख लेते हैं, ए वन बी वन, मतलब यहां भी 1 यहां भी 1, तो ए डॉट बी में हो जाएगा 1 और उसका बार करेंगे तो हो जाएगा 0, तो x हमारा बन जाएगा 0। ये देखिए x 0, और फिर इसको सिंगल इनपुट में डालेंगे तो ये आउटपुट निकालेगा, उसका इन्वर्ट कर देगा तो वो हो जाएगा 1। तो इस तरह से आउटपुट आया इसका 1। तो जब हम a में 0 b में 0 करते हैं तो y में आ रहा है 0, a 0 b 1 y इज इक्वल टू 0, a 1 b 0 y इज इक्वल टू 0 और a 1 b 1 y इज इक्वल टू 1। अब आप ध्यान से देख लीजिए इस आउटपुट को, ये आउटपुट a डॉट b का है या नहीं है। देखिए a डॉट b करिए 0 0 0, a डॉट b कीजिए 0 1 0, ए डॉट बी कीजिए 100 और ए डॉट बी कीजिए 111। तो इस तरह से हमें ए डॉट बी का, मतलब हमें एंड गेट का आउटपुट प्राप्त हो गया। तो हमने दो नैंड गेट की सहायता से एंड गेट का आउटपुट प्राप्त कर लिया, इसे कहते हैं नैंड गेट से एंड गेट प्राप्त करना। क्या किया एक बार और देख लीजिए, ए और बी हमारे दो इनपुट टर्मिनल हैं और उसे एक नैंड गेट में हमने दो इनपुट टर्मिनल से ये आउटपुट लिया तो ये बना एक्स इजिकल टू, क्योंकि नैंड गेट में हमें पता है ए डॉट बी का बार हो जाता है तो ये हो गया एक्स इजिकल टू ए डॉट बी का बार। अब उसे अगले नैंड गेट में हमें दोनों इनपुट टर्मिनल को एक करके सिंगल इनपुट में देना है, तो ए डॉट बी के बार को आपने सिंगल इनपुट में दिया तो इसका जो आउटपुट होगा वो होगा, क्योंकि अब ये नॉट गेट की तरह व्यवहार करेगा, तो इसका आउटपुट बनेगा वाई इजिकल टू ए डॉट बी का बार लेके आए और इसका फिर किया, क्योंकि नॉट गेट की तरह हो जाएगा तो ए डॉट बी के बार का बार, और इसका जो ए डॉट बी के बार का बार इसका रिजल्ट हो जाएगा ए डॉट बी। मतलब अगर हम कहें कि हमने यहां दिया 0 0, तो ए डॉट बी हुआ 0, 0 का बार हुआ 1, 1 को नॉट में डाला तो फिर हो गया 0। देख लीजिए 0। इस तरह से आप इनपुट देते जाइए और आउटपुट लेते जाइए और आप पाएंगे कि ये चारों कॉम्बिनेशन के अंदर जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो हमारा एंड गेट का रिजल्ट निकल कर आएगा।
अब हम ले रहे हैं NAND गेट से OR गेट। अब NAND गेट से OR गेट अगर हमें प्राप्त करना है तो OR गेट तो होता है A प्लस बी और ये NAND होता है A डॉट बी का बार, तो डॉट से प्लस की ओर जाना है। तो यहाँ याद रखिएगा इस चेंज कॉम्बिनेशन में हमें तीन NAND गेट का उपयोग करना पड़ेगा, एक दो तीन। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि एक NAND गेट लेना होगा और उसके दोनों इनपुट टर्मिनल को सिंगल इनपुट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप उसको इस तरह से सिंगल इनपुट बना दीजिएगा तो ये आपका नॉट गेट की तरह व्यवहार करने लग जाएगा। NAND गेट, ये वाला NAND गेट भी आप ऐसे ही कर दीजिएगा तो ये भी नॉट गेट की तरह व्यवहार करने लगेगा। दोनों इनपुट टर्मिनल को आपने मिलाकर एक इनपुट कर दिया इसका। तो अब आपके पास में ये एक नॉट गेट, ये दूसरा नॉट गेट, ये दोनों NAND है लेकिन सिंगल इनपुट में कैसा बिहेव करते हैं, ये सिंगल इनपुट में बिहेव करते हैं नॉट गेट की तरह। तो अब इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा ए बार, नॉट का रिजल्ट आएगा। इसका भी रिजल्ट जो आएगा वो आएगा बी बार, ये भी नॉट का रिजल्ट आएगा। देखिए आप ए बार और बी बार, मतलब ये हुआ कि अगर आपने ए में जीरो दिया तो ए बार हो जाएगा वन, बी में जीरो दिया तो ये बी बार भी हो जाएगा वन। अब देखिए ये ए बार और बी बार यहां जाएंगे तीसरे नॉर गेट में, तो ये हो जाएगा ए बार डॉट बी बार का बार, क्योंकि नैंड गेट क्या करता है, नैंड गेट ये करता है कि ये दोनों का डॉट करके फिर बार करेगा, तो फिर ये ए बार डॉट बी बार और उसका भी बना देगा बार। और डी मॉर्गन थ्योरम ये कहती है कि ये जो आउटपुट बनेगा ए बार डॉट बी बार का बार, ये बनेगा ए प्लस बी। तो चलिए ये भी बहुत बढ़िया रहा, हम डी मॉर्गन थ्योरम भी प्रूव कर लेंगे इससे। और ए प्लस बी का रिजल्ट प्राप्त होता है कि नहीं, अगर ए प्लस बी का रिजल्ट प्राप्त हो जाता तो हमारे और गेट का रिजल्ट बन जाएगा, तो हम इसे भी देख लेंगे। तो देखिए क्या किया, फिर से देख लीजिएगा, दो NAND गेट लगाए नॉट की तरह, मतलब नॉट में क्या करते हैं हम, दोनों इनपुट टर्मिनल को आप मिला देते हैं, तो ये सिंगल इनपुट में एक NAND गेट, सिंगल इनपुट में दूसरा NAND गेट, और दोनों के आउटपुट टर्मिनल को जो हमारा तीसरा NAND गेट है उसके इनपुट में दे देते हैं। तो इस ए का आउटपुट होगा ए बार और बी का आउटपुट होगा बी बार, तो ए बार यहाँ इनपुट में गया और यहाँ बी बार इनपुट में गया। अब ये तीसरा वाला जो हमारा NAND गेट है ये क्या करेगा, ए बार डॉट बी बार और उसका भी बार, और रिजल्ट में अगर ये ए प्लस बी आ जाता है तो हम कहेंगे कि ए प्लस बी जो हमारा रिजल्ट है वो OR गेट का है, तो हम NAND गेट से OR गेट प्राप्त कर पाएंगे। देखते हैं एक आध कॉम्बिनेशन लेते, देखिए ए जीरो बी जीरो, ये ए जीरो ये तो नॉट की तरह हो गया सिंगल इनपुट में, तो ये वन बना देगा यहाँ, तो यहाँ वन हो गया, ये भी जीरो तो ये भी यहाँ क्या बना देगा वन। तो अब यहाँ वन वन आपने इनपुट में दिया, NAND गेट के इनपुट में वन वन दिया। अब देखिएगा वन वन जब आप देंगे तो ये होगा वन डॉट वन, वन डॉट वन होगा, ये वन और ये डॉट वन, तो वन डॉट वन वन हुआ और वन का बार जीरो, तो इस तरह से रिजल्ट में हमें मिल जाएगा जीरो। फिर से देख लीजिए यहाँ जीरो, जीरो का आया वन, फिर यहाँ जीरो, जीरो का यहाँ आया वन। अब वन और वन यहाँ इनपुट में गया NAND में, तीसरे NAND में, तो ये वन डॉट वन, तो ये वन और वन का बार ये हो गया जीरो, तो यहाँ आउटपुट में हमें प्राप्त हो गया जीरो। अब दूसरा कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, जीरो और वन, ए जीरो बी वन, चलिए जीरो लेकर चलिए, जीरो का हो गया वन, यहाँ वन लेके चलिए वाला बी का वन, तो ये वन का हुआ जीरो, तो जीरो का हमारा हो गया था वन और वन का हुआ हमारा जीरो, तो ये वन और जीरो हम यहाँ इनपुट में दे रहे हैं NAND गेट के, वन और जीरो। अब ये वन डॉट जीरो जीरो, वन डॉट जीरो जीरो और जीरो का बार ये हो गया वन, ये देखिए ये वन। अब तीसरा कॉम्बिनेशन आप खुद देख लीजिए, मन में दोहराइएगा, ए वन है और बी जीरो, ए वन और बी जीरो, चलिए सोचिए वन का क्या होगा आउटपुट, ये वन इनपुट में दिया ना आपने, इसका आउटपुट क्या होगा,
इसका आउटपुट होगा 1 बार, तो ये हो गया 0, और यहां आप दे रहे हैं 0, तो इसका हो गया 0 का बार, यहां हो जाएगा 1, तो ये हुआ 0 और ये हुआ 1, अब ये 0 और ये 1, तो यहां देखिए ए डॉट बी का बार और फिर उसका भी बार करता है, तो ए बार डॉट बी बार, तो ये हो गया ए बार डॉट बी बार, क्या हो गया 0 इंटू 1 इज इक्वल टू 0, और फिर उसका भी बार किया तो ये हो जाएगा 1, तो ये तीसरा हमारा रिजल्ट आ जाएगा 1। अब चौथा कॉम्बिनेशन देखते हैं, ए भी 1 है और बी भी 1 है, चलिए ये 1 लेकर आइए, 1 का हो गया 0, यहां से भी 1 लाइए, 1 का हो गया 0, अब 0 और 0, तो ये हो जाएगा 0 डॉट 0, 0 और 0 का बार 1, तो इस तरह से रिजल्ट में आ जाएगा 1। अब आप देख लीजिए कि जब आप ए और बी को 0-0 रखते हैं तो रिजल्ट आता है 0, ये देखिए 0, अगर आप ए को 0 करते हैं बी को 1 करते हैं रिजल्ट आता है 1, ए 1 और बी 0 रिजल्ट आ रहा है 1, और ए 1 और बी 1 रिजल्ट आ रहा है 1। अब आप ध्यान से देख लीजिए ये ए प्लस बी का ही रिजल्ट है, 0-0-0, और उसके बाद में इसके अलावा सभी स्थानों पर 1, 0-1-1, 1-0-1, 1-1-1, तो ये जो हमारा रिजल्ट आया है ये हमारा रिजल्ट किस गेट का रिजल्ट है, ये है हमारे और गेट का रिजल्ट। तो इस तरह से हम नैंड गेट से और गेट भी प्राप्त कर सकते हैं, 3 नैंड गेट का इस्तेमाल करके, जिसमें शुरू के 2 गेट नॉट गेट की तरह इस्तेमाल होंगे और तीसरे गेट में उनके इनपुट में इन दोनों गेट के आउटपुट डालेंगे और उसका रिजल्ट लेंगे। तो इस तरह से हम ये ए प्लस बी आउटपुट में प्राप्त कर लेंगे ए प्लस बी का रिजल्ट, और ये ए प्लस बी का रिजल्ट हमारा है और गेट का रिजल्ट। Thank you.